मधुपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय के मैदान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा और जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व मंत्री राज पलिवार, भानु प्रताप शाही, विधायक अमित कुमार मंडल, पश्चिम बंगाल के हुगली की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी, सचिन रवानी, पप्पू यादव, गंगा नारायण सिंह सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। मौके पर भानु प्रताप शाही ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। श्री शाही ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं विधायक अमित कुमार मंडल ने आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा झारखंड में भ्रष्ट और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार को हटाकर राज्य का विकास करने वाली भाजपा की सरकार बनाने का संदेश घर घर पहुंचाएगी। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर मोदी सरकार वापस भेजेंगे, यह वादा है। वहीं पूर्व मंत्री राज पलिवार ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा कि इन्होंने करोड़ का मनरेगा घोटाला, करोड़ का जमीन घोटाला, करोड़ का खनन घोटाला और करोड़ का शराब घोटाला किया है। ये लोग सेना की जमीन तक खा गए। ऐसी सरकार कभी झारखंड के लोगों और आदिवासियों का भला नहीं कर सकती। आगे उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य सिर्फ हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो कांग्रेस आरजेडी सरकार को हटाकर भाजपा को लाना नहीं, बल्कि झारखंड में एक ऐसी सरकार बनाना है जो भ्रष्टाचार को रोके और बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से बाहर भेज सके। आज झारखंड के पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासियों झारखंड छोड़ो के नारे लगते हैं। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या बांग्लादेशी रोहिंग्या की। हमें इस धरती को बचाना है और यह काम हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं कर सकती, क्योंकि घुसपैठिए उनके वोट बैंक है। यह काम सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ही कर सकती है। मौके पर भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता सहित सैकड़ों पुरुष एवं महिला मौजूद थी। माता की जय, माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। विधानसभा है, इसमें कई ऐसे विधानसभा है जो डेमोग्राफिक चेंज होने के बाद हमारे हाथों से निकल गया है। अब शायद ही वहां कभी कोई हिंदू विधायक बने। ऐसी स्थिति हो गई है। आप चले जाइए पाकुड़ विधानसभा में, अब कोई भी दूसरा डेमोग्राफी आपके बगल में चांद तारा में चेंज हो गया और तीसरा डेमोग्राफी कहीं तेजी से चेंज हो रहा है तो उसका नाम हमारा मधुपुर है। मेरे भाइयों, मधुपुर को बचा लो, भाजपा का कमल खिला दो, नहीं तो यहाँ भी आने वाला समय में कोई हिंदू विधायक नहीं बन पाएगा। यह मैं आप लोगों से करने और निवेदन करने आ रहा हूं। यह तुष्टिकरण की प्रतिष्ठा हेमंत सोरेन की सरकार ने कैसे कैसे किया आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। याद कीजिए, यही संस्थाओं की बेटी अंकिता को शाहरुख ने जो अंकिता से भी बड़ा विभत्स घटना हमारा संथाल परगना में हुआ। याद कीजिए पाकुड़ में पहाड़िया जाति के बेटी को 50 टुकड़ों में काट दिया गया। आज तक ऐसा घटना पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ और जो आंकड़े बताते हैं ये कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, झारखंड मुस्लिम मोर्चा हो गए हैं। ये नया जयराम का बोलना चाहता हूं। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति इस सरकार में सबसे ज्यादा हुई है और इसका गवाह यदि कोई जगह है वो पाकुड़ है, इसका गवाह कोई जगह है साहिबगंज है, इसका गवाह कोई गोड्डा में जगह है वो मधुपुर। हाल ही दिनों में गोपीनाथपुर मेरा जाना हुआ था और गोपीनाथपुर में जिस प्रकार से वहां पर भंडल समाज के गरीब परिवार को बांग्लादेश से घुसपैठिए बंगाल के रास्ते झारखंड में आकर पाकुड़ में घुस के वहां पर उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, बमबाजी कर रहे थे, मारपीट कर रही थी। यही हेमंत सोरेन की सरकार थी जिन्होंने कहा एक भी एफआईआर बांग्लादेश घुसपैठियों में नहीं होना चाहिए और सारे के सारे बांग्लादेश के घुसपैठिए झारखंड में आते हैं बंगाल के रास्ते और फिर बंगाल चले जाते हैं। ये हेमंत सरकार ने एक भी पकड़ने दबड़ने का काम नहीं किया। ये है सरकार का समय। और ये जो आदिवासी आदिवासी की बात ये सरकार कर रही है ना, यही गाय बलराम की घटना में आपको बताऊं पाकुड़ की गाय बलराम
अपने पाकुड़ में एक आदिवासी परिवार ने अपने जमीन का चौहत्ती करना चाहा। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, तब से झारखंड का रोटी माटी और बेटी पर संकट गहरा गया है। ये सिर्फ मैं कहने के लिए कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, हमारा पंथाल कोरोना का डेमोग्राफी को बदल डाला है। जिस रफ्तार से बांग्लादेश से घुसपैठिया संथाल सेना की धरती पर आ रहा है, हमारी बेटियों का इज्जत इज्जत आबरू खतरे में डाल दिया है। हमारी रोटी पर मोटा कर डाल रहा है, हमारी माटी पर उसने कब्जा करने का काम किया है। आप सुनते आ रहे हैं कि पाकुड़ के अंदर, साहेबगंज के अंदर, गोड्डा के अंदर जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस गया है, अब यहाँ के बहु बेटियों के साथ जिस प्रकार से वो कर रहा है, शादी कर रहा है, निकाह कर रहा है, ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है पूरे झारखंड को। यदि यही रफ्तार रहा, इसी प्रकार से बांग्लादेश के घुसपैठिए झारखंड की धरती पर, संथाल सेना की धरती पर, मधुपुर की धरती पर आता रहेगा, तो भारी संकट है यहाँ के बेटियों पर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जरा सोचिए कि आपके दिल पर क्या गुजरता होगा जब आपकी जवान बहन का निकाह, जवान बहन का विवाह किसी हिंदू के लड़के के साथ ना होकर किसी बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुसलमान लड़का जबरन करता होगा, तो उस नौजवान के दिल पर क्या गुजरता होगा। पूछिए उस नौजवान के दिल पर क्या गुजरता होगा जब उसके जवान बहन की शादी मंडप नहीं सकता होगा, कोई पंडित नहीं कराता होगा, बल्कि उसकी जवान बहन की निकाह कोई मौली पढ़ाता होगा और मंजूरन लड़की कहती होगी कि मुझे निकाह कबूल है। इसलिए मैं कहता हूं कि माटी पर और बेटी पर खतरा है। मेरे मित्रों, समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन झारखंड के लिए खतरा है, उसी प्रकार ये जो हाफिज मियां है ना, ये मधुपुर के लिए खतरा है। ये हाफिज मियां मधुपुर के लिए खतरा है। लगान फिल्म में गाना चला था, बाबा सेहत के लिए हानिकारक है। मैं तो कहता हूं ये हाफिज मियां मधुपुर के सेहत के लिए हानिकारक है। जब से ये एमएलए बना है, जब से ये मंत्री बना है, मधुपुर को अस्त व्यस्त कर दिया है, विकास की धारा को उल्टा बहाने का काम किया है, और एक जाति, एक समुदाय, एक इलाके में उसका विकास हो रहा है, एक जाति, एक समुदाय, एक वर्ग बिल्कुल विकास से अछूता पड़ा हुआ है। मैंने आपके आशीर्वाद से जब मैं इस क्षेत्र का विधायक था, तब मैंने विकास करने का काम किया था। मधुपुर की धरती पर 24 घंटे के बाद 24 घंटे में 22 घंटे आपको मैंने बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। शहरी जलापूर्ति योजना अभी मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, अभी तो वो काम पूरा भी नहीं हुआ है। पुराने पाइप में नई पाइप को ठूस ठूस के जबरन जलापूर्ति योजना का उद्घाटन यहाँ के मंत्री ने करने का काम किया है। मैंने आईटीआई कॉलेज बनाया, आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। सुनते हैं कि कहीं उद्घाटन हो भी गया है तो पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुआ है। हमने महिला कॉलेज का निर्माण कराया, उद्घाटन कर दिए, लेकिन क्लासेस नहीं चल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने मधुपुर का होल्डिंग टैक्स घटाने का काम किया था। ये शहरी विकास मंत्री रहने के बावजूद भी मधुपुर के होल्डिंग टैक्स को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हेमंत मियां, ये हफीजुल मियां मधुपुर के लिए हानिकारक है। यदि हेमंत मियां, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से जाली बात को भी बांध के वो पूरे झारखंड के अंदर घूम रहा है, हेमंत मियां झारखंड के लिए हानिकारक है, तो ये हफीजुल मियां मधुपुर के लिए हानिकारक है। मेरे मित्रों, आने वाले समय में ये हाफिज मियां को खुदा हाफिज कर दीजिए और मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लगाइए। इसी आशा विश्वास के साथ धनदान निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती।